तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज का जो वीडियो होने वाला है, ये हम एक प्रोडक्ट को अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो अनबॉक्स क्या अनबॉक्स करने वाले हैं आप लोगों को तो पता चली गया होगा, क्योंकि आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं एक ड्रिल मशीन जो रिचार्जेबल होने वाला है। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले जो है एक वीडियो छोड़ा था, जिसमें मैंने ड्रिल बिट्स और होल साव मैंने अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, और उसमें बोला था कि मैं ड्रिल मशीन भी मंगाऊंगा, मंगाने के बाद मैं अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा। तो गाइज, आज जो है मैं अभी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। तो मशीन जो है कल ही आ चुका था, तो अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ आज। तो प्लीज़ गाइज, वीडियो को लास्ट तक देखना। तो अनबॉक्सिंग में शुरू करने वाला हूँ, और वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, और जो जो मेरे वीडियो को नया देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप हमारे वीडियो जो है और ज़्यादा देख पाओ, और बेल आइकन वाली घंटी को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो ज़्यादा देरी ना करते, चलिए वीडियो को शुरू करते। तो चलिए टेबल पर चलते हैं। तो गाइस देख सकते हो, तो आज का जो ये अनबॉक्सिंग है, ये करने के लिए मैं यहाँ पे जो आउटडोर में आ चुका हूँ, क्योंकि जो है इंडोर में इतना बड़ा जगह नहीं है हमारा। तो यहाँ पे मैंने सेटअप बना लिया है, तो अभी मैं यहाँ पे बैठ जाता हूँ। और ये है हमारे यहाँ पे पार्सल, तो इस पार्सल को अभी हम अनबॉक्स करने वाले हैं। तो मैं बैठ चुका हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे तो यहाँ पे जो है अभी इसको अनबॉक्स करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से अनबॉक्स करते हैं। तो इसको जो है मैं अभी काट लेता हूँ पहले, ठीक है? यहाँ पे कहाँ कटू, यहाँ पे तो पहले से कटा हुआ है। हंसते चेहरे का मतलब ही नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं। तो अभी जो है इसको खोलते हैं, ठीक है? और यहाँ पे इसको अभी निकालते हैं यहाँ पे। तो देखो गाइस, यहाँ पे निकल चुका है, और इस बॉक्स में अभी ये देखो खाली है। तो इसको रखते हैं साइड में। तो अभी यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे है, देख लीजिए, IZCDSB 20 volt। तो यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। तो अभी जो है इससे भी निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे निकाल लेता हूँ मैं। तो गाइस यहाँ पे भी निकल चुका है, और यहाँ पे खाली बॉक्स। तो इन दोनों बॉक्स को मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो यहाँ पे रख देते हैं। और अब जो है ये देखो गाइस, यहाँ पे जो है देख लीजिए, यहाँ पे कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। तो आप लोग पढ़ लीजिएगा वीडियो को पोस्ट करके, और इस साइड में भी डिटेल्स लिखा हुआ है। अब मैं ये जो डिटेल से बता देता हूँ, यहाँ पे 20 वोल्ट का आपको बैटरी मिल जाता है, फिर जो है 10 mm का इसका जो चक साइज है 10 mm का है, और यहाँ पे स्पीड 1 और स्पीड 2 होता है। तो स्पीड 1 में आपका 500 RPM में घूमेगा जो ये ड्रिल मशीन है, और जो स्पीड 2 है उसमें आपका घूमेगा 1450 RPM में। तो ज़्यादा अभी मैं इतना डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, आप लोग बाद में पढ़ लेना डिटेल्स। तो इसको जो है पहले मैं अभी ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है, ये देखो गाइस। तो पहले जो है यहाँ पे हमें मिल जाता है मैनुअल। तो यहाँ पे मैनुअल तो आप लोग तो जानते हो कि हम अभी मैनुअल तो पढ़ते नहीं है, तो मैनुअल को रखते हैं साइड में। तो अभी जो है एक एक करके मैं चीज़ें निकालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे एक एक करके चीज़ें निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने चीज़ें निकाल लिया, और देखो गाइस यहाँ पे जो है पूरा खाली है, देख लीजिए। तो इस बॉक्स को मैं यहाँ पे साइड में रखता हूँ। तो अभी यहाँ पे मैं पहले दिखाऊँ, यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे एक है मिलता है चार्जर। तो ये देखो चार्जर, ये चार्जर जो है ये 21.5 volt का है, ठीक है? तो ये चार्जर जो है इस बैटरी को चार्ज करने के लिए है। और यहाँ पे हमें मिल जाता है एक सिंगल बैटरी 20 volt में, यहाँ पे इस तरीके का जो है बैटरी है, और पीछे की तरफ कुछ सिंबल दिया हुआ है। तो ये तो बैटरी है, इसको रखते हैं साइड में। और यहाँ पे एक चिमटा दिया हुआ है, मैं इसको निकाल लेता हूँ पहले। तो यहाँ पे ये निकल चुका है, कैमरामैन थोड़ा सामने आ जा। तो यहाँ पे जो है ये चिमटा है, देख सकते हो, इसको जो है यहाँ पे रखते हैं, और इसमें कुछ स्क्रू मिले हैं, नट बोल्ट, यहाँ पे नट बोल्ट भी है। तो इनका यूज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, पहले मैनुअल रखना पड़ेगा, फिर जो है इनका यूज़ मैं अभी बता सकता हूँ। तो यहाँ पे इसको रखते हैं। तो इसके बाद ये देखो गाइज मेन पॉइंट, तो इसको रखते हैं, और इस कागज़ में देखते हैं क्या है। हाँ गाइज, ये देखो गाइज, यहाँ पे जो है 4 month का वारंटी है, यहाँ पे देख सकते हो 4 month का वारंटी है। तो इसमें अगर कॉल करेंगे तो वारंटी भी मिल जाएगा। तभी जो है मेन चीज़ को निकालते हैं यहाँ पे। तो इसको मैं निकालता हूँ, और ये देखो गाइज निकल चुका है, देख सकते हो यहाँ पे। और ये जो है आइजम का है, देख सकते हो गाइज, आइजम कंपनी का है, यहाँ पे आइजम कंपनी का ड्रिल मशीन है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइज का, इतना भी वेट नहीं है, लेकिन है थोड़ा सा वेट है, क्योंकि इसमें मोटर भी है और गियर बॉक्स भी है, इसलिए जो है वेट है। तो यहाँ पे जो ये जो बहुत ही अभी देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे जो स्पीड है, अभी स्पीड जो है 1 में है। तो इस तरीके से करेंगे तो
ये 2 में चला जाएगा और 2 से जो है बहुत ही स्पीड चलेगा, मतलब बहुत ही स्पीड घूमेगा, क्योंकि 1 में जब चलेगा या जब 1 में चलेगा तो तब जो है 500 RPM में घूमेगा और जब 2 में चलेगा तब 1450 RPM में घूमेगा। तो पहले मैं इसको 1 में रखता हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे जो है या बैकवर्ड फॉरवर्ड भी घुमा सकते हो, तो ये जो है ये बैकवर्ड के लिए है, तो ये इस साइड में घूमेगा, ठीक है। और जो ये वाला है ये देखो गाइस, ये फॉरवर्ड घूमेगा, ये सीधा घूमेगा और उल्टा भी घूमेगा। और यहाँ पे कुछ देख सकते हो टॉर्क है गियर के लिए, तो ये सब है गियर लगाने के लिए। और यहाँ पे मेन पॉइंट यहाँ पे है, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया है। तो यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे जो है स्क्रू के लिए ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये स्क्रू लगाने के लिए, जब आप स्क्रू लगाओगे और इसके बाद इसको एक बार घुमाने से ये ड्रिल आ जाएगा, देख लो गाइस यहाँ पे ड्रिल, और एक बार घुमाने से यहाँ पे आ जाएगा देख सकते हो हैमर का। तो ये हैमर आप दीवार पे भी छेद कर सकते हो, तो बहुत ही अच्छा जो है ड्रिल मशीन है। तो इसको अभी मैं ज़्यादा बताऊंगा नहीं, अभी जो सीधा टेस्टिंग करके देखते हैं। तो ये जो अभी बैटरी है, ये आप जो है जब ऑर्डर करो तब जो है फुल चार्ज करके ही चलाना, क्योंकि मैंने फुल चार्ज कर लिया था। तो अभी जो इसको मैं चलाता हूँ, तो यहाँ पे जो है अभी यहाँ पे मैं डायरेक्टली यहाँ पे जो है लगा देता हूँ, तो ये लगाने के लिए यहाँ पे चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो है लग चुका है, और ये देखो गाइस यहाँ पे जो है ड्रिल मशीन है। तो इसका थोड़ा सा एक बार आप सिनेमेटिक लुक देख लीजिए, इसके बाद हम इसका टेस्टिंग शुरू करेंगे। दोस्तों, आपने इसका जो सिनेमेटिक लुक है ये आप लोगों ने देख ही लिया, तो अब जो इसका टेस्टिंग करते हैं। तो यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे जो है ऐसे करते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस घूम रहा है। तो ये अभी 1 पे है, तो 2 पे देखते हैं, तो अभी ये 2 पे है, अभी ये 1 पे है। तो अब जो है इसका टेस्टिंग करते हैं। टेस्टिंग करने के लिए तो इसको भी यहाँ पे पहले मैं लगा लेता हूँ ये जो बीट है, तो यहाँ पे ये देखो इस तरीके से जो है यहाँ पे लग जाएगा। अब जो है इसका टेस्टिंग करने के लिए मैं यहाँ पे ड्रिल बिट्स ले लेता हूँ, क्योंकि इसका जो है ड्रिल बिट्स करेंगे। तो पहले जो इसका मैं आपको स्क्रू टेस्ट करता हूँ, ठीक है, ये स्क्रू कैसे कसता है और निकालता है। तो स्क्रू के लिए यहाँ पे देख लो गाइस, यहाँ पे जो है 2 हमें यहाँ पे जो स्क्रू कसने के लिए है, जो बिट है वो बिट 2 यहाँ पे मिल जाते, तो इसी मशीन के साथ मुझे मिला है। तो यहाँ से एक निकाल लेते हैं, निकाल के जो इसका वर्क करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक निकाल लिया है, तो इसको यहाँ पे लगा लेते हैं, ठीक है, इसको यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो गाइस, मैंने जो है टाइट कर लिया है। तो अब जो है इसको मैं स्क्रू में कसता हूँ, तो मैंने स्क्रू जो है मेरे पॉकेट में रखा है, तो पॉकेट से निकाल लेते हैं। अभी जो है मैंने ये देखो गाइस, ये सारे जो स्क्रू लिया है, ठीक है, तो इन स्क्रूओं को मैं यहाँ पे कस के दिखाता हूँ। तो कसने के लिए एक चीज लाते हैं, ठीक है, थीके? तो इसको जो है कसने के लिए मैं टॉर्क इसका रख देता हूँ यहाँ पे 15 की तरफ रख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है मैंने 15 रख दिया है, यहाँ पे मैंने 15 रख दिया है, देख लो गाइस, ठीक है। और जो स्पीड मैंने 2 पे कर दिया है, तो यहाँ पे अभी जो है यहाँ पे मैं लगाता हूँ, एक स्क्रू लगा कर देखते हैं, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो स्क्रू अभी लग चुका है, देख लो, और इसके बाद और एक लगाते हैं, बहुत स्पीड लग चुका है। तो यहाँ पे देख लो गाइस, थोड़ा सामने लेके दिखा दे, तो देख लो गाइस यहाँ पे जो स्क्रू लग चुका है। तो इसको अभी निकालते हैं, तो निकालने के लिए यहाँ पे जो स्विच दिया हुआ है, इस स्विच को अंदर की तरफ डाल देंगे, ठीक है, और अब जो है निकालते हैं। तो यहाँ पे निकल भी चुका है, तो इसको भी निकालते हैं। तो ये देखो गाइस, यहाँ पे जो है स्क्रू भी निकल चुका है। तो गाइस अभी जो है आप लोगों ने स्क्रू का जो है काम देख लिया है, तो अभी जो है यहाँ पे इसको निकालते हैं, निकाल के ड्रिल बिट्स का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं निकाल लेता हूँ इसको, जो उल्टा कर लेते हैं और 1 पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने उल्टा कर लिया, और ये देखिए गाइस, ये जो ड्रिल बिट्स है ये मैंने आपको अनबॉक्सिंग करके दिखाया था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक जो है आई बटन में मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग जाके देख लेना। तब जो है इसको मैं यहाँ पे जो है इसको लगाते हैं, ठीक है, लगाने के बाद आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो है सबसे ये देखिए, यहाँ पे 5 mm का लेते हैं, तो 5 mm का बीट अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे 5 mm का मीडियम रहेगा, तो मीडियम बीट एक बार लगा के देखते हैं। तो यहाँ पे जो इसको कस लेते हैं, ठीक है गाइस, तो यहाँ पे जो कस लिया देख सकते हो गाइस। तो इसको जो है 2 पे करते हैं ड्रिल के लिए, तो यहाँ पे मैंने 2 पे कर लिया है, और ये जो है ऑप्शन ड्रिल पे करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे जो है मैंने ड्रिल पे कर दिया, ठीक है, ड्रिल पे जो ऑप्शन कर दिया है। तो आप देखते
अभी एक चीज में छेद करके देखते हैं कितना तेज छेद कर पाता है, ठीक है। जो है इससे अभी टेस्ट करते हैं, तो टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पे ये देखा है, यहाँ पे जो है बेम्बू है, तो बेम्बू में मैं अभी जो है छेद करके देखता हूँ, ठीक है, बेम्बू में कैसा छेद करता है ये। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो है छेद हो चुका है, और इसके बाद मैं फिर से दिखाता हूँ उस तरफ लेके जाके मेरा, यहाँ पे देखना गाइस, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस फिर से करते हैं, देख सकते हो गाइस। तो यहाँ पे जो अभी जो है एक पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे वन पे देखते हैं वन पे कितना वर्क करता है। मुझे तो लगता है तो बहुत धीरे घूमता है वन पे, देखो गाइस बहुत धीरे घूम रहा है, तो फिर भी देखते हैं इसका टॉर्क को थोड़ा कम कर लेते हैं, टॉर्क को 10 पे रखते हैं। अब इसको चेक करते हैं, तो छेद हुआ है लेकिन बहुत लेट हुआ है, इसलिए ये जो ड्रिल है, ड्रिल आपको दो पे ही रखने रख के जो है काम करना है। तो ये देखो गाइस ड्रिल भी हो चुका है, तो अगला अब इस बीट को रख देते हैं। तो इसके बदले अभी जो है सबसे मोटा वाला बीट लेता हूँ मैं, यहाँ पे देख लो गाइस सबसे मोटा वाला बीट जो है यहाँ पे 6.5 mm का, ये देखो गाइस 6.5 mm, तो इसको लेते हैं। अब इसको जो है टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है, इसको मैं अंदर रख देता हूँ यहाँ पे, अब इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं लगाता हूँ, तो अब इसका टेस्टिंग करते हैं, ठीक है, कितना अच्छी तरीके से ये जो होल करता है। तो अब जो है इस बेम्बू में करते हैं, अगली बार उस बेम्बू में किया था, अभी इस बेम्बू में करता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे रखते हैं। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो है होल हो चुका है, तो इसके बाद फिर से करता हूँ, ठीक है, मैं कैमरा उस तरफ ले जा, देखना गाइस। तो देख सकते हो गाइस अभी जो है थोड़ा मोटा सा एक लकड़ी लेते हैं, लकड़ी लेके यहाँ पे देख लीजिए नीचे बेम्बू है, इस बेम्बू में करता हूँ, ठीक है, तो इस बेम्बू में मैं करता हूँ, ठीक है। तो देख सकते हो गाइस यहाँ पे जो है होल हो चुका है, फिर से करते हैं, ठीक है। तो ये देखो गाइस फिर से एक बार होल करते हैं, ठीक है, बहुत ही स्पीड जो है ये होल हो जाता है। तो देख सकते हो गाइस बहुत ही स्पीड जो है होल हो चुका है। तो अब जो है टेबल पे चलते हैं, फिर आप जो है यहाँ पे देख लो गाइस, ये आप लोगों ने देखा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में इसको भी अनबॉक्सिंग करके दिखाया था, तो इसका जो वीडियो है ये बाद में आएगा। अगर आपको इससे जो है इसका एक्सपेरिमेंट चाहिए, मतलब ये होल कर पाएगा या नहीं ये बड़े वाले छोटे वाले इससे, तो इसके वीडियो के लिए आप लोगों को जो है लाइक का टारगेट कंप्लीट करना पड़ेगा। तो लाइक का टारगेट ज्यादा नहीं है, 50 लाइक्स है, तो 50 लाइक्स का टारगेट आप लोग कंप्लीट कर दीजिएगा। कंप्लीट करते ही मैं इसके लिए इससे जो है वीडियो लाऊंगा, तो इससे जो है किस किस में होल हो सकता है तो उसमें आपको होल करके दिखाऊंगा। तो क्योंकि ये जो है बहुत ही हेवी वाला काम है, तो हमारा ये जो ड्रिल मशीन है ये गर्म भी हो सकता है और खराब भी हो सकता है, तो फिर भी आप लोगों को जो है मैं आपको इससे जो है चेक करके दिखाऊंगा। तो आप लोग जो है लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दीजिएगा, तो ही आप लोगों को जो है वीडियो मिल पाएगा। तो लाइक का टारगेट कंप्लीट कर दीजिएगा, अगर नहीं कर पाओगे तो नहीं मिलेगा, ये आप लोग देख लेना। तो यही था वीडियो, तो ड्रिल मशीन तो यही था। तो यहाँ पे इसको जो है इस तरीके से यहाँ पे दबा के तो इसको खोल भी सकते, तो खोलने के बाद यहाँ पे इस तरीके से चार्जर से चार्ज कर सकते, और इसके जो आप अपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में लगा के इसको अच्छी तरीके से चार्ज कर सकते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही था, तो देख सकते हो पूरा जो है बिखरा हुआ है, और यहाँ पे ये बॉक्स है। तो वीडियो में बस इतना ही था, तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं, और इस ड्रिल मशीन से क्या क्या और एक्सपेरिमेंट हो सकता है आप लोग कॉमेंट में बताइए, मैं करने की जरूर कोशिश करूँगा एक्सपेरिमेंट। और लाइक का टारगेट प्लीज़ कम्प्लीट कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा वीडियो अभी जो है लाइक नहीं आ रहा है, बिल्कुल लाइक नहीं आ रहा है, तो जल्दी जल्दी लाइक करवा दीजिए और 500 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, कंप्लीट जल्दी से कंप्लीट करवा दीजिए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।